जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। हम आपको पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी, आपको बताया था कि लेडर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से लेडर होते हैं, कितने फीट के होते हैं और कैसे उस पर चढ़ा जाता है, कैसे उतरते हैं, क्या तरीका होता है उसका। तो हम अब आगे हम वीडियो में इस वीडियो में हम देखेंगे, इस टॉपिक में हम देखेंगे सेफ्टी होल्ड लॉक, सीढ़ी पर चढ़ना, जो हम चढ़ते हैं लॉक लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। अगर हम लॉक नहीं जानेंगे, कहीं फायर फाइटिंग करना पड़ा तो हमारे दोनों हाथ खुले रहें और हमें फायर फाइटिंग करनी है। आज हम लॉक के बारे में देखेंगे कि लॉक कितने प्रकार के होते हैं, कौन से लॉक कैसे लगाए जाते हैं, इसके बारे में हम आपको हम अभी थ्योरिकल बता दे रहे हैं, कभी हम प्रैक्टिकली बताएंगे कैसे इस पर चढ़ते हैं, कैसे उतरते हैं, कैसे लॉक लगाते हैं, कैसे पंजा फंसाते हैं, कैसे पैर अपना करते हैं, एक रो से दूसरे रो में रखते हैं। तो आज हम लॉक के बारे में देखते हैं। सेफ्टी होल्ड, जैसे आपको पहले सेफ्टी मतलब सुरक्षा, होल्ड मतलब रोकना, मतलब सुरक्षा को रोकना। अब लेग लॉक, लेग लॉक क्या है, लेग लॉक कैसे लगाते हैं, इसको पहले हमें देखना है। सीढ़ी पर काम करते समय बहुधा या जरूरी होता है कि पानी का जेट मारने, कई तरह औजारों को पकड़ने, ऊपर मंजिल पर पहुंचने, एक्सटिंग्विशर पहुंचाने के लिए फायरमैन के दोनों हाथ खाली रहें। यह काम सीढ़ी पर लेग लॉक लगाकर आसानी से किया जा सकता है। लेग लॉक लगाने के लिए एक आदमी को सीढ़ी के एक डंडे पर खड़े होकर दूसरे पैर उस डंडे के ऊपर वाले दूसरे डंडे के ऊपर से सीढ़ी के दूसरी तरफ निकाल लेनी चाहिए, फिर उस पैर को मोड़कर घुटने के अंदर का भाग तथा पिडली के पीछे का भाग लाना चाहिए, जिससे कि संतुलन बना रहे। अगर पैर लंबे हों तो दो दूसरी पैर को सीढ़ी के डंडों के बीच से बाहर की तरफ फैलाकर उस डंडे के ऊपर वाले डंडे अपने पंजा फंसा लेना चाहिए। जिस तरफ काम करना है उससे दूसरी तरफ के पैर पर लेग लॉक लगाना चाहिए। ये बहुत ही आप लोग को अभी ऐसे थ्योरिकल देख रहे हैं, प्रैक्टिकल जब देखेंगे अभी लग रहा होगा कि लेग लॉक क्या है, कौन से पैर को किस रो में डालें, कैसे मेरे दोनों हाथ फ्री रहें। अभी आप देख लीजिए, थ्योरिकल देख लीजिए, प्रैक्टिकल फिर बताएंगे। क्या होता है कि जब लेडर पर चढ़ते हैं हमें बहुत सारे सामान ले कर चढ़ने होते हैं, औजार भी ले कर चढ़ना होता है, एक्सटिंग्विशर हो सकता है, होस पाइप ले चढ़ना होता है, ब्रांच ले चढ़ना होगा और फायर फाइटिंग करनी होगी। तो हम अपने कभी हम लोग बचपन में देखते थे या जो गांव में सीढ़ियां होती थी उस पर हम लोग ये करते थे, लेकिन अब हम लोग को हकीकत में करना पड़ रहा। पहले हम लोग मजाक में इसको करते थे लेकिन अब ये हकीकत में करना पड़ रहा हम लोग के सामने। हम लोग ने कई बार ये देखा है, क्या होता पहले हम लोग गाँव में जब थे सीढ़ियाँ जो रहती थी उस पर हम लोग चढ़ करके एक जो रो रहता है, जो उसके डंडे रहते हैं उसमें पैर डाल करके नीचे वाले डंडे में फंसा के दोनों हाथ खोल करके चिल्लाते थे या शोरगुल करते थे, बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब वो करने में थोड़ा अंतर आ गया, अब हमें उसको सावधानी से करनी चाहिए। पहले हमें पता नहीं था, अब लेकिन पता हो गया। तो क्या होता है, जो एक पैर होता है अंदर डालें, अंदर मतलब एक रो के ऊपर रखें और दूसरे रो में ले आ करके अपने पैर को फंसा लें और पीछे की तरफ हल्का सा झुक जाएं और आपको वो लेग लॉक लग गया और आपके दोनों हाथ फ्री हो गए। फिर आप फायर फाइटिंग कीजिए या किसी चीज़ को उठाना हो, पकड़ना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। और आर्म होल्ड, सीढ़ी पर खड़े होकर ब्रांच का इस्तेमाल, समय ब्रांच पकड़ने से पहले एक हाथ खड़े स्ट्रिंग के नीचे से लाना बुद्धिमत्तापूर्ण सतर्कता है। दूसरे हाथ से सीधे आधार के पास ब्रांच पकड़ी जा सकती है। यह तरीका विशेषकर ठंडे मौसम में काम लाना चाहिए। जो लेग लॉक था वो पैर के लिए था, आर्म लॉक जो है वो हाथों के लिए। क्या होता है, ठंडी जब ठंडी का सीजन होता है तो हमारे हाथ जो होते हैं ठंड से सिकुड़ जाते हैं या काम नहीं करते हैं, इसलिए कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी तो हम क्या करते हैं, हाथ ऐसे रो डालते हैं, रो में मतलब जो डंडे रहते हैं उसके, और उसमें डाल करके हम आर्म लॉक लगाते हैं। वो पैर के लिए था, लेग लॉक पैर के लिए था, आर्म लॉक हाथों के लिए है। ये ठंडी में अधिकतर ठंडे समय में काम लिया जाता है या मौसम में ये काम किया जाता है। सीढ़ी की देखभाल, अगर हमारे पास जो सामान है, अगर इक्विपमेंट हैं तो उसकी हमें देखभाल भी करनी चाहिए। ये नहीं
कि चलो हो गया काम हो गए, मैंने ड्रिल कर लिया तो जो सामान जहाँ पड़ा है या उसको वहीं छोड़ दें, या फिर अगर हम इक्विपमेंट रखे हैं सालों साल देख नहीं रहे हैं बस हो गया काम छोड़ दिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा जो सेफ्टी होता है जो औजार होता है उसको हमें समय समय पर चेक करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए कि हमारे जो ये इक्विपमेंट हैं काम कर रहे हैं कि नहीं, कहीं ख़राब तो नहीं हो गए, ये सब हमें समय समय पर ध्यान रखना चाहिए। ये विशेष करके जितने भी कोई भी हो, सिविलियन हो या आम जनता हो, कोई भी अगर सामान रखा है तो उसको हमें समय समय पर चेक करते रहना चाहिए कि हमारे जो ये हथियार हैं औजार हैं ये सही रहने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आर्मी वालों आप लोग हमेशा देखते हैं वो समय समय पे अपने जो असलहे होते हैं जो औजार होते हैं चलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चेक करते हैं। अब कहीं मान लीजिए अगर हादसे हो गए कुछ भी हो गए तो क्या वो उस समय थोड़ी चलाएंगे, उस समय नहीं चेक करेंगे, उस समय हो सकता है चलाएं और औजार वहाँ पे काम ही ना करें। इसलिए हमें समय से पहले ही औजार को चेक कर लेना चाहिए, उसकी देखभाल कर लेनी चाहिए समय समय पे, जो उसकी समय है जो उसकी अवधि है उस समय समय पे हमें अपने सामानों का देखभाल करना चाहिए। लेडर की देखभाल, सभी तरह की सीढ़ियों को अच्छी हालात में रखने के लिए नियमित रूप से ड्रिल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी स्थिति बदलते रहना चाहिए। जो हमारी ये लेडर हैं इसको ड्रिल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, समय समय पे उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखना चाहिए, उसके जो स्थान उसको बदलते रहना चाहिए। सीढ़ी की बनावट के जोड़ों को वार्सिंग के पड़ते लगाकर इस तरह रखना चाहिए कि वे सटे रहें और उसमें पानी न जाए जाने पाए। अगर वार्सिंग उखड़ गई तो वार्सिंग की एक अच्छी परत चढ़ा देनी चाहिए, जो उसके वाशर रहते हैं उसको समय समय पर देखते रहना चाहिए, उसमें पानी नहीं जाने चाहिए या उसको चेक करते रहना चाहिए। लकड़ी वाली सीढ़ी के फटाव शुरू होते ही खुदरने पन को रेशा मल से रगड़ देना चाहिए। अच्छा, जो लकड़ी वाले सीढ़ी रहते हैं उसमें क्या होता है, बारिश के समय में या वैसे मौसम में उसमें खुरदेपन आ जाते हैं या उसमें थोड़े से उसको क्या मतलब फफूंद लग जाती है, उसको हमेशा समय समय पे देखते रहना चाहिए। अगर ऐसे हो गए तो उसको रगड़ देना चाहिए, रेशे माल से रगड़ करके साफ कर देना चाहिए और चेक कर लेना चाहिए। सीढ़ी की मरम्मत विशेषज्ञों को ही करनी चाहिए जो इसकी बनावट से परिचित हों। जो एक्सटिंग्यूशर है उसको हर किसी से नहीं कराना चाहिए मरम्मत, कि चलो उसके बारे में एक्सटिंग्यूशर के बारे में उसको नॉलेज नहीं है और किसी हम दूसरे से करा दिए तो वो और ख़राब हो जाए, जो ख़राब है उससे ज़्यादा ख़राब हो रहा है। जो इसके विशेषज्ञ हैं हमें एक्सटिंग्यूशर उसी से ही ठीक कराना चाहिए। एक्सटिंग्यूशर ही नहीं, कोई भी जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उसी से ही कराना चाहिए। ये नहीं कोई एक्सपर्ट नहीं है किसी चीज़ में हम उसको पकड़ा दिए, जैसे कोई एक्सटिंग्यूशर चलाना नहीं जानता उसको मैंने एक्सटिंग्यूशर पकड़ा दिया, भाई चला के दिखा, वो नहीं चला पाया तो क्या होगा, कुछ नहीं, आग नहीं बुझेगी, आग और फैल जाएगी। होज पाइप है और हमें कहीं चलाना है, जिसको होज पकड़ने नहीं आता, ब्रांच पकड़ने नहीं आता, उसको हमने ब्रांच दे दिया पकड़ने के लिए, भाई इसको चला, उतना प्रेशर रहता है वो जा करके 10 फीट दूर पर गिरेगा। तो जो इसके विशेषज्ञ हैं जिसको अच्छी तरह से आती है जो चीज़ उसको वही करनी चाहिए। तो आप लोगों को आज दूसरे वीडियो, मैंने पहले वीडियो आप लोग को एक्सटेंशन लेडर के बारे में बताया, फिर इसके बाद दूसरी फिर अगली वीडियो मैंने आपको उसकी देखभाल आर्म लॉक और लेग लॉक के बारे में बताया। फिर आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.